कम 10 से 15 हजार सीटों का घोटाला हुआ। लहूलुहान कर दिया, मार के सर फोड़ दिया। हम पिछले बार मुझसे आते हैं, क्या कंट्री हूँ और इसमें इस पूरी भर्ती में आरक्षण का जितना छेछा लेदर हुआ है, सरकार इसको गंगा जल से पवित्र भर्ती मान रही है। ये अभी से नहीं है, ये तमाम ऐसी भर्तियों, चाहे जितनी भर्तियां इन्होंने किया है, हालांकि ऐसी कोई भर्ती अभी पूरा नहीं करा पाए हैं, ये 68,500 हुआ है, उसमें तो 5% का आरक्षण सीधे सीधे जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ होती है, वही ओबीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ है। और रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग वहां बैठे हैं, वो अपनी रिपोर्ट में बताए हैं कि कम से कम 10 से 15 हजार सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन इनके आला अधिकारी जो SCRT कार्यालय में AC कमरे में बैठ के ये सिर्फ धमकियाते हैं कि आप पिछड़े हैं। आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, जो उप मुख्यमंत्री पिछड़ों के नेता अपने आप को कहते हैं, जब उनके आवास पर धरना प्रदर्शन करते हुए वार्ता करने गए, मांग करने गए, तो उप मुख्यमंत्री जी को चाहिए था इनसे वार्ता करें, इनकी समस्या का निस्तारण करें। बजाय उसके लहूलुहान कर दिया, मार के सर फोड़ दिया, चोटें आई, ऐसे पुलिस उनके साथ बर्ताव की उनको घसीटते हुए, महिलाओं को मारते हुए, पीटते हुए, बसों में भर कर ना जाने कहां ले जाकर छोड़ देने का काम किया। जब पिछले सत्र में जब सदन में मैंने इस सवाल को उठाया था, जहां सरकार को इसे संवेदनापूर्वक संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, इनके समस्या का निस्तारण करना चाहिए था, सरकार ने केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया।